आज रायजादा परिवार का कलर खुलकर सामने आ ही गया। हाँ यार, अंतरिक्ष रायजादा ने तो अपने भाई की जान ले ली। अच्छा हुआ उसके परिवार वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ, पुलिस के हवाले कर तो दिया, पर अंतरिक्ष रायजादा अपने आप को गुनाहगार नहीं मानता। वो कहता है रुद्र जिंदा है। ये सब झूठ है, ये सब सजा से बचने के बहाने हैं। हाँ, हो सकता है वो कातिल हो ही ना। पर यार मैं तो कहता हूँ कि अगर वैसे अंतरिक्ष रायजादा के नजरिए से देखा जाए तो शायद उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। उसके परिवार वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी पत्नी और 6 महीने के बच्ची के साथ इतना अन्याय नहीं करना चाहिए था। वैसे भी अंतरिक्ष रायजादा ने अपने भाई को इसलिए मारा था क्योंकि वो अपने बेटे को गायब करने का दोषी रुद्र को मानता है। अरे यार, किसी भी बाप का दिल फट सकता है। मेरी नजरों में तो वो कातिल नहीं है। हाँ यार, तुम बात तो ठीक कह रहे हो। अंतरिक्ष रायजादा को एक बार अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका जरूर मिलना चाहिए। उसकी पत्नी और उसकी 6 महीने की बच्ची पे बहुत तरस आता है। तितली मामी, एक जीवित इंसान के लिए शांति हवन करवाना ठीक नहीं है। अर्पिता पुत्र, मैं रुद्र की मां जैसी हूं। मैं भी चाहती हूं कि रुद्र जिंदा ही हो, पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिनकी डेथ हो जाती है ना, वो कभी लौट कर नहीं आते। लौट कर तब आते ना जब वो इस दुनिया से गए होते। तितली मामी, आप तो हमारा विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है तितली मामी, आपको याद है ना, अंतरिक्ष भैया भी बार बार यही कहते थे कि वो मंदिर में दिखे थे। मैं अंतरिक्ष पुत्र की किसी भी बात का विश्वास नहीं करना चाहती। ऐसे पंदे पर विश्वास करना बेवकूफी है जिसने हमेशा हमारे भरोसे की डेथ ही कराई है। तू अच्छी बच्ची है मेरी बच्ची, तू मेनू पसंद है, तू क्यों गलत लोगों की बातों में आकर बुरी बन रही है। तितली मामी, पंडित जी का फोन आया था, पूछ रहे थे सारी सामग्री मंगा ली है ना। हाँ पुत्र, सब मंगवा लिया, उन्हें कहे छेती करें। ध्रुव जी, कम से कम आप तो तितली मामी को रोकिए। एक जीवित आदमी के लिए शांति हवन करवाना शुभ नहीं होता है। देखो अर्पिता, वो दिन हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन होता अगर रुद्र भैया हमारे सामने जीते जागते आ जाते। और निहारिका, उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। और भगवान की मर्जी के आगे हर इंसान को सर झुकाना पड़ता है। लेकिन रुद्र, काश वो जिंदा होते, लेकिन आज आज निहारिका रुद्र भैया की आत्मा की शांति के लिए हवन करवा रही है, इसलिए प्लीज फॉर गॉड से ऐसी बातें मत करो। और एक बात, अगर रुद्र भैया जिंदा होते तो क्या वो घर नहीं आते। इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादें रह जाती है। क्या मैं अंतरिक्ष रायजादा से मिल सकता हूँ? आपको थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा, अभी अंतरिक्ष रायजादा की पत्नी उनसे मिलने आई हुई है। अंतरिक्ष, ये कैसा न्याय है? आपको आपकी बेगुनाही की सजा दी जा रही है। अब तो मुझे भी यकीन है कि रुद्र जिंदा है। लेकिन तुम तो... हाँ अंतरिक्ष, पहले मैं भी यही मानती थी,
क्या करती? इस दिल ने अपनी अच्छी किस्मत पर विश्वास करना ही छोड़ दिया था, लेकिन अर्पिता ने मुझे बताया कि उसने भी रुद्र को मंदिर में देखा। सच काजल, अर्पिता ने भी रुद्र को देखा है? अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बस एक बार रुद्र हमें मिल जाए काजल, बस एक बार मैं रुद्र को सबके सामने, निहारिका के सामने ला सकूं और उससे अपने गुनाह की माफी मांग सकूं। मैं उससे कहूंगा कि मैंने अपने गुस्से के पागलपन में उसकी जान लेने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन भगवान ने उसकी जान बचाकर मुझे एक हत्यारा कहलाने से बचा लिया। हाँ अंतरिक्ष, लेकिन इस दाग को मिटाने के लिए आपको रुद्र को सबके सामने लाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ये मुमकिन है? यही कोशिश तो की थी मैंने, निहारिका की मौत की झूठी खबर देकर, लेकिन फिर भी रुद्र सामने नहीं आया। इसी बात की वजह से मैं हैरान हूं काजल, कि अगर रुद्र जिंदा है, अगर वो इसी शहर में है, तो कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो सबके सामने आ नहीं रहा है? हमारी बुरी किस्मत अंतरिक्ष, हमारी बुरी किस्मत। हम लाख कोशिश कर ले, लेकिन हमेशा नाकामयाबी होते, हमेशा नाकामयाबी। मुझे माफ कर दो काजल, मेरी वजह से तुम्हें और हमारी मासूम सुहानी को जो सजा भुगतनी पड़ रही है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कुछ नहीं कर पाया मैं, कुछ नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में, ना एक अच्छा बेटा बन पाया, ना एक अच्छा भाई, ना एक अच्छा पति और ना ही एक अच्छा बाप। बस एक इकहरा हुआ इंसान हूं मैं। अंतरिक्ष शहजादा, मैं एडवोकेट आर.आर. सिंह हूं, मैं आपका केस लड़ सकता हूं, मैं आपको बेगुनाह साबित तो कर सकता हूं, मगर उसके लिए आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन आप मेरा केस क्यों लड़ना चाहते हैं? पेशा है मेरा, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? आपने अपने भाई को क्यों मारा? मेरा भाई मरा नहीं, मेरा भाई जिंदा है। चलिए मैं अपना सवाल बदल लेता हूं, आपने अपने भाई को मारने की कोशिश क्यों की? मैं अपने गुस्से का शिकार हो गया था। मेरे भाई रुद्र ने
मेरे बेटे पार्थ को मुझसे दूर कर दिया था और मेरे अंदर का बाप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने गुस्से में आकर अपने भाई को जान से मार डालने की ठान ली। मैंने सुन लिया था कि रुद्र ने ध्रुव को कालीघाट मिलने के लिए बुलाया है और उस काली तूफानी रात का फायदा उठाकर मैं वहां ध्रुव से पहले पहुंच गया और तब से लेकर आज तक दिन रात मैं इसी गुनाह के बोझ तले जी रहा हूं। लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने रुद्र को अपनी आंखों से देखा। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो रुद्र ही था। मैंने उस तक पहुंचने की कोशिश भी की, लेकिन वो पता नहीं अचानक कहां गुम हो गया। लेकिन उस एक पल जब मैंने रुद्र को अपनी आंखों से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर से मेरे गुनाह का बोझ हट गया हो। मेरे दिल को इस बात का सुकून मिला कि कम से कम मैं अपने भाई का हत्यारा नहीं हूं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, लेकिन अब इस बात की शांति है कि मेरा भाई, मेरा रुद्र जिंदा है। लेकिन किसी को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है और उसका नतीजा ये है कि रुद्र के जिंदा होने के बावजूद भी मैं इन सलाखों के पीछे यहां इस जेल में अपने भाई की हत्या की सजा भुगत रहा हूं। अब बस एक ही इच्छा है मेरी कि मैं किसी तरह अपने भाई रुद्र को सबके सामने, अपने परिवार के सामने ला सकूं और अपने परिवार से, निहारिका से, रुद्र से अपने इस गुनाह की माफी मांग सकूं। एक बार रुद्र मिल जाए मुझे तो मैं इस कैद से मुक्त हो जाऊंगा। अब बस मैं अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ चैन की जिंदगी जीना चाहता हूं। बस थक गया हूं मैं इस तरह भागते भागते, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी मासूम सी बच्ची जो एकदम निष्पाप है उसे जिंदगी भर एक हत्यारे की बेटी कहलाने का ताना सुनना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने जिस भाई भाई के रिश्ते को शर्मिंदा किया है उस पर से लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। आपको क्या लगता है, आपका भाई आपको बचाने के लिए, आपको बेगुनाह साबित करने के लिए आपके सामने आएगा? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भाई मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। बल्कि सच तो यह है कि मेरा भाई रुद्र मुझे बचाने के लिए आ चुका है। Thank you.
इस तरह मुझसे मुंह मत मोड़ो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? लेकिन एक भाई की नजरें अपने भाई को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। कितने दिनों से तलाश रहा हूं तुम्हें, आज सामने आए हो। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।